कर सकता। उसके पास राजभवन होंगे, पद होगी, प्रतिष्ठा होगी, लेकिन अभी परमात्मा नहीं जाना, इसीलिए वो भी असंतुष्ट है। और मैं आज असंतोष की बात बता रही हूँ कि लोग कहते हैं संतुष्ट रहो संतुष्ट रहो संतुष्ट रहो, पर मैं देखती हूँ कि असंतुष्टि ही हमारी प्रेरणा बनती है। असंतुष्टि, मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊँ जब तक मेरे देश के चेहरे पे रौनक नहीं आ जाती? मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊँ जब तक संस्कृति और संस्कारों का स्थापन नहीं हो जाता? मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊं जब तक देश के अंदर दो माताएं कतल खानों में कपती रहेंगी? मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊं जब बहुत सारे बालक जो है वो शोषण के शिकार होते रहेंगे? मैं कैसे संतुष्ट होकर बैठ जाऊं अगर देश का बचपन कचरे में से दाने बीन कर खा रहा? वो चित्त के अंदर असंतोष धारण किए। जब दुनिया आजादी के जश्न मनाती है उसके मन में एक भावना आती है कि करे स्वागत तेरा हम किस तरह जश्न आजादी, खड़े हैं सामने कितने दहकते प्रश्न बुनियादी, उनकी आंखों में बेचैन।